सब पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे. सो वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका. हाय दीदी, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही हेल्दी और यमी रेसिपी शेयर करने वाली थी, मगर आज पता नहीं गौरव को क्या सोचा और वो मेरे साथ में किचन शेयर करने चले आए. तो आज मैं आपको बस वही दिखाना चाहती हूँ कि जब मैं और गौरव किचन में होते हैं साथ में तो किचन में क्या क्या होता है. तो चलिए देखते हैं. क्या हो रहा है? अरे आप आ गए? अरे जिम में बहुत भीड़ थी, मैं जल्दी आ गया वापस. क्या बना रही हो? मैं तो फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ. फ्रूट कस्टर्ड? गुड. मम्मी बना के खिलाती थी ना बचपन में. मैं तो अभी भी खा लेता हूँ, आई डोंट माइंड. जितना बना के खिलाओगी खा लूंगा. क्या क्या डाल रही हो इसमें? गर्मी बहुत ज्यादा है. हाँ, अपने गार्ड सारे और ज्यादा काले हो गए. अरे सारे जितने भी बाहर खड़े होते हैं ना, सब काले हो गए. गर्मी तो है यार, पता नहीं अचानक से ठंडी हुई, बीच में फिर गर्मी हो गई. ठंडी तो यहाँ की लगती भी नहीं है, पता ही नहीं लगती. हाँ, जितनी यहाँ ठंड पड़ती है ना दिसंबर में, उतना तो हमारा वार्म अप होता है. अपना जो सर्दियों का वार्म अप शुरू होता है ना यूपी में. हाँ. या पंजाब में हम जब हल्की हल्की ठंडी महसूस करते हैं सितंबर में, वो वाली सर्दी यहाँ दिसंबर में पड़ती है और यहाँ के लोग उसमें भी मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं. ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, हुडी डाल लो, स्वेटर डाल लो, जैकेट डाल लो. हम लोग जब स्कूल जाते थे कितने सारे कपड़े पहन के जाते थे ना. हाँ नहीं, हम तो हीरो बन के जाते थे. मैं और भैया तो तब भी वो सिंगल शर्ट वो स्वेटर पहनाती थी मम्मी, उतार देते थे बीच में, कोहरा खाते हुए जाते थे. मैं हमेशा मेरी किसी भी फ्रेंड से आप पूछोगे ना, मैं हमेशा मेरा सूट के ऊपर स्कीनी एकदम कंपलसरी था. कोई नहीं पहन के आता था पूरे स्कूल में, सिर्फ मैं पहन के आती थी. और जब स्कूटी से जाती थी ना स्कूल, तो इतने सारे कपड़े की डबल डबल ग्लव्स, डबल सॉक्स और उसके बाद में शूज, इतने सारे कपड़े की मैं एक्स्ट्रा मोटी लगती थी. अरे नहीं, लड़कियां तो पहनती हैं सर्दी में. लड़कियों को सर्दी ज्यादा लगती है, पता है. वैसे आज मुझे एक बात नहीं समझ में. क्या? आपने आज मेरा व्लॉग शूट करने की कैसे सोची? मैंने तुम्हारा व्लॉग इसलिए शूट करने की सोची क्योंकि तुम बहुत मेलोड्रामा करने लगी हो अपने व्लॉग में. बहुत मेलो ड्रामा करती हो. ओके लेट्स गो. तुमने कभी व्यूअर्स को अपने दांत दिखाए? तुम्हारे कितने परफेक्ट दांत है एकदम. सही में बिल्कुल ऐसा लगता है मोती रखे हुए एकदम लाइन से. हाँ पता ना मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, थोड़े ड्राई फ्रूट ज्यादा डालना. मैं ना आपके बारे में एक भी ड्राई फ्रूट नहीं. अच्छा तो मेरा वाला अलग से बना रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सही है. This is called पूड़ी बांधना. और सबसे बड़ी बात, जब कोई काम करने का मन ना हो तो ऐसी पूड़ी बांध दो. और चीज की आपके आने की वजह से मेरी इतनी गंदी चॉपिंग हुई, अदरवाइज मैं बहुत अच्छी चॉपिंग करती हूं. मैंने कहा तुम्हारे हाथ पकड़ रखे. आपने मुझे डिस्टर्ब किया. अच्छा बेटा मेरे से तो डिस्टर्ब तुम्हें नहीं, डिस्ट्रैक्ट किया. मैं तो पूरी जिंदगी तुझे डिस्ट्रैक्ट करूंगा भाई, शादी की है. अच्छा
देखो आई कैन मेक यू लुक लाइक अ डायनासोर राइट नाउ बेबी प्लीज बेबी जल्दी कर मुझे भूख लग रही है तो ये क्या कर रही हो तुम डब्बा खोलने की कोशिश करूं मैं खोलूं ये है क्या दिखाओ अच्छा कस्टर्ड पाउडर ग्रेट पता एक कहावत है मैं व्यूवर्स के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि आपकी प्लेट में जितने कलर्स हो ना उतना वो हेल्दी हो सकता है अभी जैसे ये हम फ्रूट सैलेड फ्रूट कस्टर्ड या कुछ भी खाते हैं ना इसमें ये जो कलर्स देख रहे हैं ना आप अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स होते हैं या कभी हम वेजिटेबल सैलेड खाते हैं या फिर फ्रूट सैलेड भी खाते हैं तो उसमें जितनी आप वैरायटी रखेंगे जितने अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखेंगे ना उतना आपके लिए पौष्टिक होगा पौष्टिक डिड आई से इट राइट पौष्टिक ही होता है ना न्यूट्रिशियस बेबी आज मैं कुछ लाया भी हूँ तेरे लिए क्या हमेशा बोलती रहती हूँ ना मैं किचन में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता काम करने के लिए अब मैं थका हुआ होता हूँ शूटिंग के बाद तो मैं नहीं खड़ा होता लेकिन मैं किसी को लाया हूँ तुमसे बात करने के लिए बलू को नहीं लेके आया मैं लेकिन मैं एक छोटा बलू लेके आया हूँ ये देखो इसको ना बस एक बार ऐसे बिठा दो यहाँ पे और फिर ये तुमसे पूरे दिन बात करेगा जैसे भी तुम कोई सवाल पूछो काजू बादाम खाएगा हाँ करना हेलो हाँ जरूर 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 सही है ना ये पीछे से अगर गैस जल रही तो सब ओह नो बेटा तू बैठा गलत जगह यहाँ बैठ जाना अभी ठीक है अभी सेफ है मुन्ना यू आर सेफ नाउ है ना अच्छा एक बात मैं बोलना चाहता हूँ व्यूअर्स को तुम भी अपनी तरफ से बोल देना कि ये जो बेचारे जो सड़क पे बेचते हैं ना ये छोटी छोटी चीज़ें उनसे अगर हो सके तो कुछ ले लिया करें सनशेड्स होते हैं वो सब बेचते हैं वो ये छोटे छोटे टॉयज बेचते हैं हाँ पेन बेचते हैं फूल बेचते हैं वो छोटे छोटे आपके वो क्राफ्ट के आइटम होते हैं वो सब ले लेना चाहिए मतलब ऐसा है कि वो लोग जो भीख नहीं मांग रहे उनका एक कम से कम ये मोटिवेशन बना रहे कि हाँ चलो हम लोग दूसरी तरह से भी पैसा कमा सकते हैं तो ये अभी तुमने कस्टर्ड मिक्स मिला दिया दूध में अच्छा ओके अब इसके बाद अब इसे थोड़ी देर के लिए इसमें मिक्स होने देंगे हाँ और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा थोड़ा और गर्म हो जाएगा थोड़ा सा और इसे गाढ़ा होना चाहिए यदि गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे बंद कर देंगे गैस को और ठंडा होने के लिए रख देंगे अच्छा चलो वेटिंग मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं एक और के पेट में भी चूहे कूद रहे हैं पूछो उससे है ना हाँ ये क्या प्यारी सी चीज है यार ये कैसे बनाया होगा ना हाँ कैसे बनाया होगा और अच्छा लगता है कि बूढ़े और जो विकलांग लोग जो हैं सड़कों पर वो भीख ना मांग के ये सब मेहनत के काम भी कर रहे हैं इससे भी पैसा कमा रहे हैं तो मैं तो सबसे मतलब एक ये रिक्वेस्ट करता ही हूँ बोलना चाहूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी तुम बोल देना हो सके तो मतलब इन लोगों के पास में अगर कोई और इनको कहते ना एक रोज़गार दिखता है तो ये शायद भीख मांगना लोग कम कर दें और इनकी एक अच्छी कहते ना रोजी रोटी का एक साधन हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग अगर छोटी मोटे टॉयज़ और छोटी मोटी चीज़ें ये क्राफ्ट की चीज़ें जो ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं कई ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं वो लोग ये सब बनाते हैं और सस्ते रेट्स में बेचते भी हैं तो इन सबको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है मैं तो कहता हूँ कि किसी को भीख देने से अच्छा है किसी से कुछ सामान ले लिया जाए वो ज़्यादा अच्छा है तो इन लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा और ये ऐसी छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें बना के आपको देंगे बहुत ही कम प्राइस में और ये सब चीज़ें आपको मॉल्स में नहीं मिलेंगी हाँ जाओ ना एम्बलेस में जाओ एम्बलेस में यही इसी को छोटे से डॉगी को कुछ और फैब्रिकेट करके बेच देंगे वो 500 रुपये में
ये बेचारे 20-20, 30-30 रुपए, 50 रुपए में दे देते हैं, ये तो है ही। क्या हो रहा है फिर, अभी कितना टाइम और लगेगा? तुम्हारे कान में कुछ कहना चाह रहा है, कह रहा जल्दी से बनाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। गौरव इतनी जल्दी किचन से तो निकल गए, चलिए मैं अब आपको दिखा भी देती हूँ कि आखिर गौरव कर क्या रहे। बेबी क्या कर रहे हो? पसीना सुखा रहा हूँ। नहीं मैं कीड़े निकाल, वीडियो बना रही है तो? अच्छा आप कर क्या रहे थे इतनी जल्दी किचन से भाग के तो आ गए, वो भी टी शर्ट उतार करके। पसीना सुखा रहा था, क्या हवा थी ना मस्त एकदम। बेबी आपने तो किचन में इतनी देर काम भी नहीं किया और आपको पसीने आ गए, वाह शाबाश बेबी शाबाश। इसे यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। कभी भी एक और सीख देना चाहता हूँ, कभी भी वर्कआउट से जब भी आप आए पसीने में या किचन से भी जब पसीने में निकले तो एकदम से एसी में मत जाइएगा, बीमार पड़ जाएंगे। मैं 2-3 बार पड़ चुका हूँ, तो उससे अच्छा यह है कि बालकनी में खड़े होकर ताज़ी हवा लें या फिर एक दूसरे के मुँह पर फूंक मार लें, ऐसे करें। वाओ बेबी हाउ इंटेलिजेंट यू आर। गौरव का कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था और वो मीटिंग करने के लिए चले गए, तो अब मैं यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें थी वो सब चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और अभी मैंने सारे जितने फ्रूट्स चॉप किए थे वो सब मैं इस बोल में डाल रही हूँ। वैसे मुझे मीठा खाना कुछ खास पसंद नहीं है, बट कभी कभी जब गौरव और मुझे ऐसा मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, तो मैं घर पर ही ऐसे कुछ जल्दी जो बन जाए ऐसा कुछ कुक कर लेती हूँ। तो फ्रूट सारे मिक्स कर लिए हैं मैंने इसमें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो कस्टर्ड हम लोगों ने ठंडा करने को रखा था वो। तो कस्टर्ड यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब इस कस्टर्ड को मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे अपडेट आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।